हाय गाइस, मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरी देखना गाइस, क्योंकि पहले तो हम सोहक की आज की अपडेट देखेंगे एंड फिर कल की वीडियो में जो आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उनको फीचर करेंगे एंड सोहक के ब्रेकअप से रिलेटेड डाउट वाले कमेंट्स को भी क्लियर करेंगे। और पहली अपडेट मोहक की तरफ से है। जैसा कि सभी को पता है, मोहक अभी अपने बॉयज ग्रुप के साथ ट्रिप पर गए हुए हैं, तो सभी फैंस को लग रहा है कि मोहक सुरभि के बिना पहले तो ट्रिप पर गए एंड वहाँ उतनी प्यारी प्यारी लोकेशन पर कैसे अकेले घूम सकते हैं सुरभि के बिना। तो ऐसा ही क्वेश्चन किसी ने मोहक से पूछा, हैव फन अलोन। तो मोहक ने इस बार ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया एंड इसका रिप्लाई देते हुए कहा, नींद आ रही है मुझे। गाइस, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मोहक बताना चाहते हैं कि वो कोई मस्ती नहीं कर रहे हैं वहाँ अकेले, वो बस दोस्तों के साथ अपने माइंड को रिलैक्स करने, पीसफुली टाइम स्पेंड करने के लिए ट्रिप पर गए हैं। तो गाइज, मुझे आप लोगों के साथ एक और बात क्लियर करनी थी। कुछ लोग सुरभि की एक स्टोरी वीडियोस में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सुरभि ने ये सब कहा है। तो गाइज, बात सही है कि ये स्टोरी सुरभि की है, बट ये 8 से 9 महीने पुरानी स्टोरी है, जब सुरभि का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि सुरभि इनएक्टिव होने की बात कह रही है, जबकि फिलहाल सुरभि इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। जब से मोहक से अलग हुई तब से भी एक्टिव है। ये स्टोरी बहुत पुरानी है गाइज, मैं आपको बताना चाहती थी बस। और रही इनएक्टिव होने की बात, तो जब से मोहक सुरभि की लड़ाई हुई तब से पूरा ग्रुप यूट्यूब पर तो जैसे गायब ही हो गया था। फिर नितेश एंड कुणाल की वीडियो आई, पर फिर से गाइज ये लोग जब से ट्रिप पर गए तीनों यूट्यूब से इनएक्टिव हो गए। सभी को लग रहा था कि जल्दी से ही ट्रिप का व्लॉग हमें देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड गाइज, जैसा कि मैंने इन वीडियोस में आपको दीपेश एंड पीहू के ब्रेकअप वाली बात बताई थी, तो गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कल पीहू के इंस्टाग्राम पर 400 के फॉलोअर्स हुए हैं। सभी ने उनको विश किया है, पर मोहक सुरभि कुणाल नितेश किसी ने भी पीहू को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा है, ना ही स्टोरी लगाई है। इस चीज से ये बात क्लियर होती है कि दीपेश एंड पीहू के झगड़े के साथ साथ मोहक सुरभि का भी झगड़ा इन दोनों के साथ हुआ है। अब देख लेते हैं कल की वीडियोस के कुछ कमेंट। पहला कमेंट है शिव पंडित का, इन्होंने लिखा है, दी सलोनी दी ने सुरभि दी को डांटा है, सुरभि दी ने अब तो चले आओ, इसका मतलब क्या है। तो हाँ गाइस, मैंने भी वो कमेंट देखा था जहाँ सुरभि ने सलोनी के कमेंट के रिप्लाई में कहा था कि थैंक्स बेबी मुझे डांटने के लिए। तो गाइस, ये बात क्लियर नहीं है कि सुरभि ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी, बिकॉज अभी मोहक सुरभि का चल रहा है तो सभी को ऐसा लग रहा है कि सलोनी ने सुरभि को मोहक को लेकर डांटा। वेल, ये बात सच भी हो सकती है और नहीं भी, कंफर्म नहीं है। इसलिए गाइस मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि ऐसी चीजों से कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। एंड रही कैप्शन की बात, अब तो चले आओ, तो गाइस सुरभि का अंदाज धीरे धीरे बदल रहा है। सभी कमेंट में कह रहे हैं अवर ओल्ड शुरू इज बैक, तो मुझे लग रहा है कि अब सुरभि का गुस्सा थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है, क्योंकि पहले मोहक सुरभि के पिक्स लाइक कर रहे थे, जब उनकी लड़ाई हुई थी तब भी मोहक लाइक कर रहे थे, जबकि सुरभि नहीं कर रही। आप मेरी इन सारी पुरानी वीडियो में ये सब चीजें डिटेल में देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि सुरभि मोहक से गुस्सा थी, लेकिन अब शुरू को मोहक की याद आ रही है। कैप्शन शुरू ने मोहक के लिए ही लिखा है, मैं 100% श्योर हूँ। फैसल बादी ने कमेंट किया है, आपका कोई सोहक के नाम से इंस्टा पर फैन पेज है क्या? तो हाँ गाइज, मेरा एक सोहक का फैन पेज है, बट गाइज चूंकि मैं इस अकाउंट का पासवर्ड भूल गई थी एंड रिकवरी भी नहीं हो रही थी, तो मैं वहाँ लास्ट 7-8 मंथ से इनएक्टिव थी। अभी मेरा फैन पेज अकाउंट रिकवर हो चुका है, तो गाइज आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। फैसल बादी ने ही कमेंट किया है, आपने शुरू दी की कल के रील के कमेंट में सलोनी दी ने कमेंट किया था कि बहुत प्यारी, और शुरू दी ने रिप्लाई में लिखा था कि थैंक्स बेबी मुझे डांटने के लिए। आई थिंक शुरू दी को सलोनी दी समझाया होगा कि ऐसे लड़ो मत। तो मुझे तो लगता है कि सोहग अब जल्दी ही वापस आने वाले हैं, तो इसके बारे में हम बात कर चुके होंगे। आई होप कि आपको आंसर मिल चुका होगा। एंड गाइस, सभी सोहग फैन चाहते हैं कि सोहग जल्दी से वापस आ जाए। शिकागो गेमिंग ने कमेंट किया है, सोहग आप लोग अंदर से टूट गए हो, एक्सप्रेशन बताते हैं। प्रीति सेन ने कमेंट किया है, मेरा लास्ट कमेंट रीड नहीं किया आपने लास्ट वीडियो की, तो देखते हैं इनके लास्ट वीडियो में क्या कमेंट था। तो आई थिंक ये वाला कमेंट था, मुझे लगता है कि सोहग का ब्रेकअप सलोनी मित्तल के कारण हुआ है, क्योंकि मार्च में सलोनी मित्तल सुरभि के घर एक रात के लिए आई थी, उसके कुछ दिन बाद ही सोहग ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, और उसके कुछ दिनों पहले ही सलोनी और आयुष का भी ब्रेकअप हुआ था। तो मुझे तो यही लगता है कि सलोनी ने ही कुछ सुरभि से कहा और सलोनी से सुरभि ही मिली थी मोहक ने, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग। तो गाइस, अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि किसके कारण हुआ है या किसके कारण नहीं, ऐसे किसी पर ब्लेम डालना अभी सही होगा, जब सोहक मिल जाएंगे तो ही शायद वो लोग इस बारे में हमें बता पाएंगे। रामदत्त सोनी ने कमेंट किया है, रहा सवाल सब ठीक होने का, तो उनके भी सब कुछ ठीक था पहले से ही, बस बेवजह की ब्रेकअप न्यूज सुना रहे थे। तो गाइस, जब सोहक साथ में नहीं दिखेंगे तो लोगों को तो लगेगा ही कि ब्रेकअप हो गया है। प्रियंका सोलंकी ने कमेंट किया है, डोंट वरी दी, जल्द ही सोहक वापस आएंगे, मुझे विश्वास है, इतना घेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता, तो आई विश कि प्रियंका ऐसा ही हो। आसिफ खान ने कमेंट किया है, इनको देखने से पता चल रहा है। प्रिया 786 ने कमेंट किया है, 18 जुलाई तक सोहक साथ आ जाएंगे। रश्मि वर्मा ने कमेंट किया है, सोहक इज द बेस्ट। मोहम्मद फैजल ने कमेंट किया है, मैम आप अच्छी हो तो थैंक यू। गेमर ने कमेंट किया है, हम वेट कर लेंगे दी। कोको हयात ने कमेंट किया है, प्लीज कम बैक। शिखा सक्सेना ने बहुत सारे इमोशनल इमोजीज भेजे हैं।
अलवीरा अंसारी ने कमेंट किया, दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप हमें हमेशा अपडेट देते रहते हो, तो थैंक्स अलवीरा। नेहा कुमारी ने कमेंट किया, आप लोग तो सच्चे प्यार की डेफिनेशन हुआ करते थे, तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, आप दोनों के प्यार को देखकर तो कुछ लोग मोटिवेट होते थे, आई थिंक आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, प्लीज कम बैक एंड देन सबको खुश कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। राधा देवी ने कमेंट किया, थैंक्स दी फॉर डेली अपडेट्स, तो वेलकम राधा। मैजिक मोमेंट्स ने कमेंट किया, थैंक्स दी फॉर गिव अस सोहक अपडेट्स, तो वेलकम मैजिक मोमेंट्स। नजरीना ने कमेंट किया, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। भारती कुमारी ने कमेंट किया, वी मिस यू सोहक, प्लीज कम बैक। अननोन ने कमेंट किया, मेनी पीपल आर सेइंग दैट मोहक एंड सुरभि ब्रोक अप विद ईच अदर बट स्टिल आई हैव होप सोहक जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर अपडेट्स अबाउट सोहक, तो थैंक्स एंड वेलकम अननोन। सुमन कुमारी केवट ने कमेंट किया है, मोहक जी एंड सुरभि जी बेस्ट कपल एंड आई विश हमेशा दोनों साथ रहे। अंजलि ने कमेंट किया, थैंक दी सोहक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वेलकम अंजलि। उदित त्रिवेदी ने कमेंट किया, आई मिस यू सोहक। टीना बनोन ने कमेंट किया है, सोहक कम बैक होगा, सुरभि दी ने रील बनाई है, अब तो चले आओ, मतलब सुरभि दी मोहक भाई को कह रही है। जोया पटेल ने कमेंट किया, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी सोहक जल्द से जल्द मिले। मुकेश शाह ने कमेंट किया, वी वांट सोहक बैक। आयुष भार्गव ने कमेंट किया, सोहक कम बैक प्लीज। अनम ने कमेंट किया, और वेट नहीं होता, कम बैक सोहक प्लीज प्लीज। शहनाज कुरैशी ने कमेंट किया, सोहक कम बैक, आई मिस यू। खुशी सोनी ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच दी हम सबको सोहक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वी वांट सोहक एंड लव यू दी, थैंक यू खुशी एंड वेलकम। सिमरन ने कमेंट किया, सोहक प्लीज प्लीज कम बैक, हम सब बहुत परेशान है, थैंक यू दी वीडियो के लिए, प्लीज प्लीज कम बैक सोहक एंड लव यू दी, तो थैंक यू सिमरन। आशा दे ने कमेंट किया, थैंक यू दी आई लव यू दी, तो थैंक यू आशा। मोहम्मद फैजल ने कमेंट किया है, सोहक प्लीज कम बैक। गुड़िया विकास ने कमेंट किया, मेरा दिल कहता है कि सोहक कभी अलग नहीं हो सकते। प्रतीक्षा ने कमेंट किया, वी वांट सोहक प्लीज कम बैक, सोहक व्लॉग रील्स कब तक आने वाला है सोहक के साथ। ऑफिशियल अन्नू ने कमेंट किया, सोहक आप जल्दी वापस आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। रेबा पटेल ने कमेंट किया, सोहक कम बैक प्लीज, वी वांट सोहक टुगेदर, टेंस सो वरीड प्लीज कम बैक। विवेक ने कमेंट किया, दीदी आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि सोहक अलग नहीं होंगे, थैंक यू सो मच दी, तो वेलकम विकास। ईशा शेट्टी ने कमेंट किया, वी वांट सोहक बैक टुगेदर। माही ने कमेंट किया, आई विश मेरे जल्दी जल्दी कम बैक करेंगे। सोनी शाह ने कमेंट किया, वी वांट सोहक बैक टुगेदर। गंबर कामले ने कमेंट किया, आई एम सो सैड दीदी, सोहक को बोलो ना वापस जल्दी आ जाए।